हम इंडिया हम गए थे और सारे परिवार थे, मेरे घर से भी मेरी बहनें हैं, उसकी फैमिली, अनिल की भी सारी फैमिली, सारी बहनें, मतलब बहुत सालों बाद हम शायद सारे इकट्ठे थे और शेयर करते हैं कि इतना अच्छा टाइम था। और मेन था कि हमारे पापा बीमार हैं तो हम बहुत डरे भी हुए थे कि कुछ मिसहैपनिंग पहले ना हो जाए, उन दिनों ना हो जाए, लेकिन खुदा का इतना शुक्र है कि हर चीज़ इतनी खूबसूरत और हर वक्त इतना ब्लेस्ड टाइम था कि आप छोटी सी भी मैं सोचूँ कि 1% की भी चीज़ नहीं थी जो हमें कह सकें कि यार ये अच्छी नहीं हुई या ये गड़बड़ हो गई। मतलब इतना ब्लेस्ड टाइम मैंने शायद इंडिया में जब मैं रहती थी तो भी शायद नहीं बिताया होगा जितना कि इस बार हम बिता कर आए हैं। और पूरा टाइम वेल्स में भी हम रहते थे, हम मतलब पीछे भी लोग हमारी दुआ करते थे, तो थैंक यू सबका, सबने हमारी प्रेयर भी करी और हम इतना अच्छा टाइम बिता कर आए हैं। और सबके साथ मिलना, सबके साथ अच्छा, और जितने लोग वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, मुझे विश्वास है कि सब आराम से अपने घर में पहुँच जाएंगे, और जब बाकी वहाँ से निकल चुके हैं वो सब पहुँच चुके हैं। गीत भी गाया हमने वहाँ पर, वो क्रिसमस का गाया था, बिना प्लानिंग के बिना तैयारी के, लेकिन इतना अच्छा गाना वो हिट हो गया वहाँ पर, सबने बोले कि अभी सिखा कर जाओ, मैंने कहा अभी तो हम बड़े ही बेकार सा गा रहे हैं, अब तो अच्छा गा भी नहीं पाए, लेकिन बहुत शुक्र है क्योंकि वहाँ पर भी लोगों ने भी हमें ये कहा कि आप लोग बहुत बदल कर आए हो, जैसे आप 5 साल पहले थे वैसे हम नहीं हो, काफ़ी चेंज है उसके बारे में, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, आप सीख रहे हो, तो ये हमारी गवाही है कि मौका है कि हम कह सकेंगे बात, क्योंकि उसने हमें वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पे भी खड़ा किया है, तो उसका शुक्र हमेशा। और थैंक यू।